महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डॉक्टर की लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मामला बलारपुर के सरकारी अस्पताल का है। कंपाउंडर द्वारा मरीज के कमर में इंजेक्शन लगाने के दौरान दवा के प्रेशर के साथ सुई सिरिंज से निकलकर मरीज के शरीर में घुस गई। आनंद फानन में डॉक्टर ने सुई निकालने के लिए मरीज के जान के साथ खिलवाड़ करते हुए कमर पर चीरा मारकर बिना हैंड ग्लव्स पहने ही उंगलियों से सुई निकालने की कोशिश में सुई और शरीर के अंदर डाल दी। डॉक्टर की लापरवाही से मामला और भी बिगड़ गया है। बलारपुर के शिवाजी वार्ड बीटीएस प्लॉट परिसर में रहने वाले 36 वर्षीय ट्रक चालक संदीप आत्राम को हाथ पैर में मामूली सा दर्द व बुखार था, इसलिए संदीप इलाज के लिए बलारपुर के सरकारी अस्पताल गया। वहां डॉक्टर द्वारा जांच करने के बाद इमरान नामक कंपाउंडर ने कमर में इंजेक्शन लगाया, लेकिन इंजेक्शन लगाने के दौरान दवा के प्रेशर के साथ सुई सिरिंज से निकलकर मरीज के शरीर में घुस गई। मामला गंभीर था तो डॉक्टर भी घबरा गए और आनंद फानन में बिना हैंड ग्लोव के तुरंत ऑपरेशन कर उंगलियों से सुई ढूंढनी चाहिए, लेकिन सुई नहीं मिल पाई। सुई कमर से नीचे सरक गई। डॉक्टर के इस कसाई वाली हरकत से मरीज की दर्द के मारे जान निकल रही थी। डॉक्टर के इस लापरवाही वाले ऑपरेशन का वीडियो मरीज के परिजनों ने अपने मोबाइल पर बनाया। वीडियो में दिख रहा है कि किस कदर डॉक्टर मरीज के शरीर में उंगलियां डाल रहा है और मरीज दर्द के मारे चिल्ला रहा है। हद तो तब हो गई जब मरीज के शरीर में सुई नहीं मिलने से डॉक्टर विजय कड़सकर ने ऑपरेशन की जगह पर टाके लगाकर मरीज को सुई निकल गई है बताया और घर जाने को कहा। मरीज के परिजनों द्वारा हंगामा करने पर चंद्रपुर के निजी डॉक्टर अलुरबार के दवाखाने में सीटी स्कैन किया गया और सुई अंदर होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद जिला अस्पताल में पहुंचकर शल्य चिकित्सा से ऑपरेशन करने पर युवक की कमर से सुई निकाली गई है। फिलहाल मरीज संदीप अस्पताल में भर्ती है और खतरे से बाहर है। ट्रक चालक संदीप ने बताया कि डॉक्टर की लापरवाही से यह घटना हुई है। मुझे कुछ कम ज्यादा होने पर संबंधित डॉक्टर जिम्मेदार रहेगा। मेरे दवाखाने में रहने से मेरे परिवार के समक्ष भूखे रहने की नौबत आ गई है। परिजनों ने डॉक्टर विजय कड़सकर पर आरोप लगाते हुए बताया है कि डॉक्टर शराब के नशे में धुत होकर ऑपरेशन करने से सुई शरीर में घुसी थी। मरीज और परिजन डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संदीप आत्राम ट्रक चालक है, उस पर पूरे परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद संदीप के परिवार पर आर्थिक संकट भी आ गया है। वो काम पर नहीं जा पा रहा है, घर में वो अकेला कमाने वाला है। डॉक्टर के लापरवाही से परिवार संकट में पड़ गया है। चंद्रपुर सरकारी अस्पताल के वरिष्ठ शल्य चिकित्सक डॉक्टर महादेव चिंचोड़े ने इस घटना के विषय में बताया है कि युवक संदीप आत्राम अब खतरे से बाहर है। इस घटना की जांच कमेटी बनाई गई है। 4 डॉक्टरों की टीम मामले की जांच कर रही है। दोषी पाए जाने वाले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना दवाखाने में गया था, मैं बुखार आया था, तो दवाई गोली लेने के बाद इंजेक्शन के लिए गया था। इंजेक्शन दिए था कंपाउंडर में, वो इंजेक्शन गई बोले। उसके बाद वो मैडम आके ट्राई की, डॉक्टर आए, ग्लव ट्रप नहीं लगाए, गड्ढा वड्ढा चीरा मारे, चीरा मार के ट्राई करके निकालते, बोल के ट्राई किए, निकली नहीं। फिर बोर्ड ट्राई की, नहीं निकली। वो हाथ पाथ से घुमाए, बहुत तकलीफ हुई। मिसेस को बुलाया, मिसेस आई, भाई को बुलाया, भाई आया, बालक को बुलाया, चिल्लाए तो भी माना नहीं। फिर रात भर मेरे को ऐसे कपड़ा वो कपाट लगा के रख के एडमिट करके इंजेक्शन गोली वोली दिए, वहाँ रात भर रखे, एक्सरे निकाले, ऑपरेशन करने ले गए, नहीं निकली बोले, नहीं है बोले, निकल गई होंगी, कल निकल गई होंगी, कपड़े में निकल गई होंगी, ऐसा बोले। फिर ऐसा बोले तो फिर मेरी मिसेस को मैं ले गया था, मैं डर गया था ना, तो मिसेस को ले गया था। फिर सर बोले कहाँ गई थी, नहीं बोले निकल गई होंगी, टेंशन मतलब मैं हूँ बोले, ऐसा ऐसा बोले, टाके मार दिए, मार के बाहर निकल दिए, बोले मैं घाव सूखा देता, बोले नहीं है बोले। फिर मेरी मम्मी मिसेस वगैरह जाके जब बोले कि तुम अगर अंदर होंगे आगे चल के कुछ होगा, तो सब लोग मेरे मालक पूछे, वो लोग गाली गलौज अलग की बातें कर रहे थे, यानी जो करना है कर लो, कंप्लीट कर लो, फांसी ले जाओ, ये करो। तो मालक मेरा खोल गया, ऐसा कैसा गलत बोलते हैं आप रेडियो के पास। तभी फिर वहाँ के सब लोग बोल के ब्रदर्स को पकड़ के सी एस साहब से मालक ने मैं हमारे बात किया था। सी एस साहब बोले एक से वो निकालो सिटी स्कैन, सर ने मदद की हमको, एम्बुलेंस दिलाए, डाल के इधर ला के सिटी स्कैन निकाले। वो भी साहब बोले है, बोले सिटी स्कैन वाले डॉक्टर साहब गलत है, बोले रह जाती तो आज जान खराब हो जाती, भाईजान हो जाता, कुछ हो जाता, ऐसा बोल रहे थे। बच्चे छोटे छोटे लड़की है,
गरीब आदमी बोले इतने दिन घर में बैठे गए, अभी यानी तुम्हें वहाँ से ला के यहाँ पे एडमिट करके यहाँ पे सी एस साहब ने निकाल दिए चंद्रपुर में सी एस साहब ने निकाल दिए, बरोबर ध्यान दे रहे, थोड़ा अच्छा लग रहा। बाकी यही है कि अभी कुछ दिन मुझे बैठना पड़ेगा घर में, मैं गरीब आदमी कमाने धमाने वाला, मेरे को बैठना पड़ेगा तो मेरे खाने पीने के वांदे हो जाएंगे। अभी ये मदद पाने कुछ मिल जाए तो अच्छी बात है। अभी तक मालूम जो पूरे मरीज हुए इंक्वायरी चल रही के दरमियान, तो पेशेंट जब आया तो हमारे डॉक्टर थे वहाँ पे लांजेवार नाम के लेडीज, उन्होंने उनको चेक किया, उनको दवा पानी दिया और उसके साथ एक इंजेक्शन लगाने को बोला। तो जब वो इंजेक्शन लगाने के लिए हमारे जो इंजेक्शन रूम है उधर गए, तो वहाँ पे हमारे इमरान नाम के एक ब्रदर थे वहाँ पे, उन्होंने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देते टाइम में वो जो नीडल का जो मेटल का रहता है वो हब से निकल गया और अंदर छुट गई, वो जो नीडल थी वो अंदर रह गई। तो रहने के बाद उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर साहब ने उसको चेक किया, पालपेट किया और उनको लगा कि इसको निकाल सकते हैं अपन, ऐसा थोड़ा सा उनको महसूस हुआ। तो ढंग से उन्होंने लोकल में उसको इंजेक्शन देके निकालने की कोशिश की वहाँ पे, उसमें थोड़ा सा इमरजेंसी के वजह से डॉक्टर साहब इमरजेंसी में गड़बड़ में थोड़ा सा उसको पेंट बिंट करके वो इंजेक्शन लगाया, ट्राई किया वहाँ पे निकालने की, नहीं निकाल पाए। उसके बाद उसका एक्सरे वगैरह करके देखे और वहाँ नहीं हुआ तो इधर मेडिकल कॉलेज में भेज दिए, वहाँ पे अपना यहाँ पे अभी पेशेंट एकदम उसके नेडल निकाले और वेल सेटल है, अच्छा पेशेंट है, उसकी तबीयत वगैरह अच्छी है। आपने तो हमारा प्रोसीजर रहता है कि हम उसके ऊपर नोटिस दिए, उसकी इंक्वायरी चालू है, अभी इंक्वायरी में जो भी कुछ होगा उसके अनुसार अपना कार्रवाई करेंगे। मलारपुर शहर से बीसीएन न्यूज के लिए सुनील ताड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।